जब रात होती है तब अंधेरा होता है, और इसी अंधेरे में जंगली जानवर निकलते हैं, चंगादड़ निकलते हैं, या तक तो भूत भी निकलते हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक और प्राणी भी निकलता है जो कि काफ़ी अजीब है, और वो है हम जैसे एस्ट्रोफोटोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर भी। हम ऐसे प्राणी हैं जो कि शिकार करने नहीं निकलते, बल्कि कुछ ढूंढने निकलते हैं, डिस्कवरी करने निकलते हैं, और ये ऐसा मकसद है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो हमारे चलन में आपका स्वागत है। ये भारत का लौता चलन है जो कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करता है। और हाँ, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मैं कहूँगा आप भी प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें, चाहे वो बायोलॉजी का हो या केमिस्ट्री का। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आप में से कोई भी देख सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट हो स्पेस में, साइंस में, एस्ट्रोफोटोग्राफी में या फोटोग्राफी में, अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं हैं तो आप जा सकते हैं, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं। सो डीप स्काई, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें आते हैं नॉन स्टेलर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इन तरह के ऑब्जेक्ट में ना तो स्टार आते हैं ना तो प्लैनेट। ये सभी डीप स्काई ऑब्जेक्ट हमारे आसमान में चारों तरफ हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेथ होते हैं। इनमें से कई डीप स्काई ऑब्जेक्ट आसमान का बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, इतना बड़ा कि अगर वो हमें दिखने लगे तो वो हमें मून से भी ज़्यादा बड़े दिखेंगे। इसलिए अगर आप इन ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपके पास एक कम पावरफुल वाला टेलीस्कोप होना चाहिए जो कि इतना बड़ा एरिया कवर कर सके। ओके, अब बात करते हैं मेरे टेलीस्कोप के ऊपर। तो असल बात तो ये है कि मेरे पास टेलीस्कोप नहीं है। जी हाँ, डीप स्काई कैप्चर करने के लिए मेरे पास सही टेलीस्कोप नहीं है। यह बात सुनने में अजीब है, इसलिए आप कहेंगे, अरे बाबुआ तेरे पास टेलीस्कोप नहीं है तो क्या है ये क्या तोप है क्या? अरे अरे अरे, शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। लो, एक ने तो डिसलाइक कर दिया, और देखो दूसरे तो चप्पल निकाल ली पहले ही। अबे भाई पूरी बात तो सुन लो। असल में बात ऐसी है, जैसे कि मैंने बताया कि कई डीप स्काई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, और मेरा टेलीस्कोप उन डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, बात सुनने में काफ़ी अजीब है, लेकिन अलग अलग टारगेट के लिए अलग अलग टेलीस्कोप रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओरियन नेबुला मेरे टेलीस्कोप से कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं पूरा फील्ड ऑफ व्यू कवर हो गया है। मुझे थोड़ा ये वाला एरिया भी कवर करना है, लेकिन नहीं हो पाएगा। ओके, हमें प्रॉब्लम पता लग गई है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मैं एक छोटा टेलीस्कोप खरीदूं जिसकी फोकल लेंथ कम हो, फिर हम पूरे फील्ड ऑफ व्यू कवर कर पाएंगे। ओके, तो मैं टेलीस्कोप सर्च कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कौन सा खरीदूं। वैसे अभी मेरे पास टेलीस्कोप का बजट है 20,000 का, देखते हैं कौन सा मिलता है। ओके, मुझे लग रहा है मैं निकला था ऑल्टो लेने और पहुंच गया लैम्बोर्गिनी के शोरूम में। वहां जाते ही मुझे अपनी जेब चिल्लर के बराबर लग रही थी, इसलिए मैं वहां से निकल गया। हाँ भैया बताओ, कौन सा टेलीस्कोप पैक कर दूँ, बड़ा या छोटा? भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है, यानी अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं एक नया टेलीस्कोप बाय नहीं कर सकता। फिलहाल इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालना है ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक और प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि इससे भी बड़ी है, और वो ये है कि मेरे पास कैमरा नहीं है। क्या? अब तो तू पक्का झूठ बोल रहा है, मैंने तेरे पास एस्ट्रोनॉमी कैमरा देखा है, वो लाल वाला। ओ बाबी तुम, वो एस्ट्रोनॉमी कैमरा तो है लेकिन वो प्लेनेटरी इमेजिंग के लिए बना है, वो डीप स्काई इमेजिंग के लिए नहीं है। यह कैमरा डीप स्काई इमेजिंग क्यों नहीं कर सकता, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है रेजोल्यूशन, इस कैमरे का मेगापिक्सल है ओनली 2, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है हीटिंग इशू। यह जो कैमरा है ये जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग एक्सपोजर लेने के लिए नहीं बने हैं। अगर आपने ऐसा करा तो कैमरा बहुत जल्दी गर्म हो सकता है,
कैमरा गर्म यानी सेंसर गर्म, और अगर सेंसर गर्म तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं मैं इस कैमरे से ये कर सकता हूँ, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। एक मिनट, तेरे पास एक और कैमरा भी है, वो है DSLR, है ना? हाँ भाभी, DSLR बहुत कमाल का कैमरा होता है और उसका रेजोल्यूशन तो और भी बेहतर, लेकिन उसमें तीन प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। पहली प्रॉब्लम है फ्रेम पर सेकेंड्स। DSLR का फ्रेम पर सेकेंड्स बहुत ही ज़्यादा लो है। आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही, पहले एक इमेज लो, फिर बहुत सारा इंतज़ार और फिर अगली इमेज लेने के लिए तैयार। ओके, दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि है हीटिंग इशू। अगर आप DSLR से नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं तो कैमरा बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, लेकिन अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर करने लगते हैं तो कैमरा गर्म होने लगता है, यानी सेंसर गर्म। और अगर सेंसर गर्म तो नॉइज़ और ग्रेन्स बढ़ेंगे इमेज में। ओके, आप तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि कॉपी बड़ी है। मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए आप ये दो इमेज देखिए। इन दोनों इमेज को एक ही कैमरे से लिया गया है, यानी सेम कैमरे से, वो भी सेम सेटिंग इस्तेमाल कर, लेकिन फिर भी ये इमेज एक दूसरे से आपको अलग नज़र आ रही होगी। इस वाली इमेज में ज़्यादा डिटेल दिखाई दे रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, सेम कैमरा सेम सेटिंग्स लेकिन इमेज फिर भी अलग अलग। ओके, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कैमरे ने इस इमेज को ली है वो कैमरा मॉडिफाई करा गया है। मॉडिफाई कहें या कोई चीज़ निकाली गई है उस कैमरे से। क्या निकाला गया है? निकाला गया है आयर कट फिल्टर। यह फिल्टर हर DSLR में होता है, इसे आप भी निकाल सकते हैं अपने कैमरे से अगर आप करना चाहें तो। इसे निकालने के बाद खास तरह की वेवलेंथ ब्लॉक नहीं होंगी, खासकर रेड कलर जो कि नेबुला से एमिट होते हैं। यानी ये और भी अच्छा होगा अगर हम नियर इंफ्रारेड लाइट को भी कैप्चर कर सकें, ताकि हमें और भी ज़्यादा डिटेल मिले। ओके, तो DSLR के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम है आपने समझ लिया है, और मैं अपने DSLR को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करना चाहता। ये बहुत महंगा है मेरे लिए और मेरा पहला DSLR भी है, और अगर मैं ये करने के लिए तैयार भी हो जाऊँ तो उसके बाद ये कैमरा नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए यूज़ कभी नहीं हो पाएगा। वेट, यानी कोई भी कैमरा मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो कि डीप स्काई को कैप्चर कर सके? ओह, मैं आपको उसी कैमरा से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था जिससे ये काम हो सकता है, वो है ये कैमरा। ये कैमरा स्पेशली डीप स्काई ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ भाई, प्रॉब्लम है कीमत। वाओ, इस कैमरे का सबसे सस्ता मॉडल है 1,00,000 का। क्या सोना लगा के बेच रहे हो क्या? खैर, इसमें सोना तो नहीं है, पर मैं समझ सकता हूँ इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है। फिलहाल सच्चाई तो यह है कि मैं इस कैमरे को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हमारे चैनल पर 1,000,000 सब्सक्राइबर भी हो जाए तो भी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस चैलेंज से बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती। इस चैलेंज से बहुत कम अर्निंग होती है कि इंसान नहा सके, धो सके, पहन सके, खा सके, बस धोने के पैसे नहीं लगते। इस चैलेंज से इतनी अर्निंग नहीं होती कि हम इतने महंगे इक्विपमेंट अफोर्ड कर पाए, शायद होगी भी नहीं। इसलिए फिलहाल हमारा चैलेंज नुकसान में चल रहा है। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, नुकसान उठा रहा हूँ, और फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए। लेकिन अब मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं बिना मदद के आगे नहीं बढ़ सकता। डीप स्काई इन्फिनाइट है, उसमें अनंत चीज़ें हैं डिस्कवर करने के लिए, और मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ चीज़ों को और आपको दिखाना चाहता हूँ। यह काम करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है भारत में। कई छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे और वो ऑफकोर्स इंस्पायर हो रहे होंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे भी सब इंस्पायर होते रहें। इसलिए हम बिना रुके आगे बढ़ पाएँ, अब ये थोड़ा थोड़ा आप पे भी डिपेंड करेगा। मुझे ये कहने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें चाहिए मदद। हमें बिल्कुल भी बड़ी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 रुपये भी हमें फ़ंड कर सकते हैं तो ये बहुत होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अगर घड़ा भर गया तो हम वो कैमरा ले पाएंगे, और वो कैमरा हमारा नहीं आप सबका होगा। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इस UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे 1 रुपये भेज सकते हैं, या फिर आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, एक ही कॉफ़ी होगा। मुझे उम्मीद है आपकी मदद से हम ये कैमरा जल्दी बाय कर सकें, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे भारत में पहली बार होने वाला है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट इस तरह खरीदा गया हो। फिलहाल जो भी हो, उम्मीद करता हूँ आप प्रॉब्लम को समझ पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कैमरे का तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं टेलीस्कोप का कुछ कर सकता हूँ। मैं टेलीस्कोप खरीदूंगा और बनाऊंगा।
ओह, मैं क्या कर रहा हूँ? असल में मैं टेलीस्कोप ढूंढ रहा हूँ खरीदने के लिए। मैं एक छोटा टेलीस्कोप ढूंढ रहा हूँ जिसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा हो। ओह, ये देखिए, हमें एक टेलीस्कोप मिला है। ये बच्चों के साइज का है, सस्ता रिफ्लेक्टर है। ये टेलीस्कोप लार्ज फील्ड ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। जी हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल लेंस वाला टेलीस्कोप है और साथ में इसमें बहुत चीप क्वालिटी का लेंस लगा होगा ऑफकोर्स इसकी प्राइस के हिसाब से। इसलिए इस टेलीस्कोप में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि क्रोमेटिक एबरेशन, स्पेरिकल एबरेशन, लाइट बाउंस बैंक और ETC। यही सब कारण है कि चीप रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप से एस्ट्रोफोटोग्राफी नहीं की जा सकती। की जा सकती है, लेकिन इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होगी। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं मेन इमेजिंग के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को चुनूं, उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो कॉपी ढूंढने के बाद मुझे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिल गए। हमें ये दोनों मिले, इनमें से मैं एक चुन लेता हूँ और इस छुटकू को भी खरीद लेते हैं। बेचारा रो रहा है। ये छोटा टेलीस्कोप मेरे गाइड स्कोप बन जाएगा। ओके, तो कुल मिला के मैं दो टेलीस्कोप बाय कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये कल तक पहुँच जाएगा क्योंकि फोटो कार्ड की सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओके, फाइनली फोटो कार्ड से टेलीस्कोप आ गए हैं। अब इन्हें अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने मंगाया है ये वाला, ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये रहा छुटकू वाला, ये टेलीस्कोप मुझे अच्छा लगा। मैं इसका गिवअवे जल्दी करूंगा, तब मेरा चैलेंज 1,00,000 पर पहुंच जाएगा। बड़ा कंजूस है। ओके, जो भी हो, आइए टेलीस्कोप को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों वाला टेलीस्कोप खोलूंगा। तो ये है, मैनुअल है, आईपीस है, बार्लो है, मून फिल्टर भी है। और ये देखिए, ये है ट्राइपॉड। ओके, टेलीस्कोप निकालते हैं जिससे हमें ज़्यादा मतलब है। तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, ये है लेंस। कमाल का टेलीस्कोप है वैसे, इतना बुरा नहीं है। ओके, जो भी हो, आइए अपना मेन टेलीस्कोप खोलते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मेडिका टेलीस्कोप है, मेरा पहला मेडिका टेलीस्कोप। वाओ, ये तो कमाल का है। छोटा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा। मुझे इसे तोड़ने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन मुझे इसे तोड़ना ही होगा क्योंकि इसी काम के लिए मैंने इसे मंगाया है। ओह, ओके, तो बॉक्स के अंदर देखिए कई सारी एक्सेसरीज हैं। ये है फाइंडर स्कोप और ये है सोलर स्कोप और साथ में कमाल के आईपीसीज भी हैं और साथ में बार्लो भी है। ये सच में कंप्लीट टेलीस्कोप है, मुझे सच में पसंद आया। वैसे हाँ, अगर आपके पास डॉप्शूनियन टेलीस्कोप नहीं है तो आप शुरुआत इससे कर सकते हैं। हाँ, ये तो एक मजाक है। जो भी हो, जैसे आप देख सकते हैं, ये है फोकसर। ये तो काफ़ी लूज है। ये तो मोटर बाइक है। स्टार्ट करो। चलिए मैं आपको इसका मिरर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस सोलर फिल्टर निकालूंगा, कैप भी निकालूंगा। ये देखिए कितना छोटा मिरर है। और पीछे देखिए, कॉलिमेशन के लिए कुछ दिया ही नहीं है। ओके, आपने अब दोनों टेलीस्कोप देख लिया है, लेकिन अब वक्त है इन दोनों टेलीस्कोप को मिलाकर एक टेलीस्कोप बनाने का। मेरा प्लान है कि छोटे टेलीस्कोप को मैं गाइड स्कोप बनाऊं, क्योंकि उससे सिर्फ स्टार ही देखना है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन तो हमारा ये वाला टेलीस्कोप है जो कि मेन इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इन दोनों टेलीस्कोप को साथ में जोड़ने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो पार्ट्स मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, टेलीस्कोप से भी महंगे। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं उन्हें 3D प्रिंट करूं। ओके, तो 3D पार्ट प्रिंट करने के लिए मैंने हाई क्वालिटी PLA मंगाया है। अब मैं इसे अपने 3D प्रिंटर से लगा देता हूं। और ये देखिए, हमें ये वाला पार्ट प्रिंट करना है, वो भी सेम साइज़ में। ओके, हमारा प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है। ये पार्ट काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन से ज़्यादा लगने वाला है एक पार्ट को प्रिंट करने में। हमें ऐसे दो पार्ट प्रिंट करने होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी वीडियो लेट क्यों आती है। हर वीडियो की अलग कहानी होती है, अलग एडवेंचर होता है, अलग मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर सुबह हो गई, अरे मुझे स्कूल जाना है, मैं लेट हो गया, मेरा बैग, मुझे जाना है स्कूल। मैं चला, एक सेकेंड, टेलीस्कोप, बैग, टेलीस्कोप, बैग, स्कूल, बैग, टेलीस्कोप, स्कूल, बैग, ये मैं क्या कर रहा हूँ?
वार्निंग, गलती से भी अपना टेलीस्कोप स्कूल ना ले जाए। वैसे अगर आप ले भी जाते हैं तो आपको प्रिंसिपल से शाबाशी मिल सकती है। ओके, तो लगता है हमारा पार्ट प्रिंट हो गया है। हाँ, ये हो गया है। एक मिनट, ये कुछ हद तक हथकड़ियाँ जैसा लग रहा है। हाँ, हथकड़ियाँ। Your ass is mine! You're under arrest! जो भी हो, अब वक्त है वो काम करने का जो करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो है इस टेलीस्कोप की तोड़ाई। मुझे इस टेलीस्कोप को डिसअसेंबल करना होगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं टेलीस्कोप का कलर बदल गया है और 3D प्रिंटेड पार्ट लग चुका है। अब वक्त है गाइड स्कोप तैयार करने का। गाइड स्कोप के लिए हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये पार्ट 3D प्रिंट करा है, मैं इसे इस पर लगा देता हूँ। और ये लीजिए, हमारा गाइड स्कोप तैयार है। वैसे गाइड स्कोप 10,000 से नीचे आते नहीं हैं, लेकिन हमने 1,000 में गाइड स्कोप बना डाला। ओके, अब हम गाइड स्कोप को टेलीस्कोप के ऊपर लगाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इस नए टेलीस्कोप को अपने माउंट पर लगा के देखता हूँ। ओह, ये स्क्रू अड़ रहा है, ये लग नहीं पा रहा है, हमें इन्हें काटना होगा। कोई नहीं, ये चीज़ें मैंने किस लिए खरीदी हैं। सेफ्टी ऑन। यह ये है एक्स का तरीका। ओके, तो फाइनली हमारी न्यू एस्ट्रोफोटोग्राफी रिग तैयार है। इस टेलीस्कोप को बनाने में बहुत सारा वक्त, मेहनत, पैसा और दिमाग लगा है। मैंने कुछ सिंपल स्टेप में आपको इस टेलीस्कोप को बना के दिखाया, लेकिन असल में कई सारी प्रॉब्लम आई जिन्हें हमने सॉल्व करा, अपग्रेड करा और फिर ये आपके सामने है। सबसे मेन प्रॉब्लम आई मुझे इसे बैलेंस करने में। इसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे इसे कर दिया। फिलहाल जो भी हो, हमने 10,000 के अंदर ऐसा टेलीस्कोप बनाया जिसे मार्केट से खरीदने में आपको 70,000 देने पड़ते या उससे भी ज़्यादा। फिलहाल जो भी हो, अब वक्त है इस टेलीस्कोप को टेस्ट करने का। क्या ये वो काम कर सकता है जो काम 70,000 का टेलीस्कोप कर सकता है? अगर ये इसमें कामयाब होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ओके, तो हमने अपने टेलीस्कोप को सेटअप कर दिया है। अब वक्त है शाम का इंतज़ार करने का। ओह नो, लगता है ये भी आज हमारे साथ ही रहेंगे हमारी मदद करने। फिलहाल अभी थोड़ा वक्त बचा है, सोच रहा हूँ 2 नंबर चले जाऊँ। नानी, ओमाए वा मो शिंदेरु। वहाँ मैं 2 नंबर में बिजी हूँ। यहाँ 2 से ज़्यादा बंदर मेरे टेलीस्कोप के साथ खेल रहे हैं। इस बंदर ने इस वक्त आईपीस एंड बारो लेंस का बॉक्स उठा रखा है। उसके बाद मेरे लेंसेज बॉक्स से बाहर निकल के गिर जाते हैं और फिर ये बंदर 5x बारलो उठाता है, लेकिन बारलो देखने के बाद ये उसे फेंक देता है। उसके बाद ये मेरा लेज़र कॉलिमेटर वाला बॉक्स उठाता है और खोल देता है, जिससे मेरा लेज़र कॉलिमीटर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद ये बंजर फॉर्म का टुकड़ा लेके भाग जाता है। उसके बाद 2 नंबर करने के बाद मेरी 1 नंबर की एंट्री होती है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद मुझे अपने लेंसेस और कॉलिमीटर ज़मीन पर बिखरे हुए दिखते हैं। फिर मैं समझ गया, मेरे 2 नंबर के दौरान यहाँ पर किसी की 4 नंबर की एंट्री हुई है। अब मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि इस एंट्री से मेरा 4,000 से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मेरा कॉलिमीटर ख़राब हो गया है और कुछ आई पीसीस भी। मेरे साथ ये तो बुरा हुआ ही, उल्टा आसमान भी आज साफ नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट फेल्ड चला गया, मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा।
ओके, तो आज है अगला दिन। आज हम फिर से टेस्ट करने वाले हैं टेलीस्कोप को। उम्मीद करो हम ये कर पाए। और आज आसमान साफ होना ही चाहिए, क्योंकि आज हम टेलीस्कोप को सिर्फ टेस्ट ही नहीं करेंगे बल्कि आज हम कैप्चर करने वाले हैं वीनस और मून का ऑकल्टेशन। ऑकल्टेशन बहुत रेयर इवेंट होता है। ये तब होता है तब एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पीछे से पास हो। जाहिर बात है वो असल में उसके पीछे नहीं जाता, वो तो अर्थ के रिलेटिव हमें ऐसा दिखता है। इसी प्रकार आज है ऑकल्टेशन वीनस और मून का। मैं इसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैंने किसी भी प्रकार का ऑकल्टेशन नहीं देखा, तो इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम है। जी हाँ, फर्स्ट टाइम। तो उस रेयर इवेंट को देखने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी टेलीस्कोप को तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है हम देख ही लें। लेकिन जैसे ही मैंने टेलीस्कोप को सेटअप करा, बारिश आ गई। अब तो ये मिशन फेल मानो। अगर गलत जगह पानी चला गया तो सब पानी पानी हो जाएगा। हमें सब कुछ हटाना होगा। When you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Okay, कितनी बार ओके कहना पड़ेगा। जो भी हो, आज मैं तीसरी बार आया हूँ टेलीस्कोप को टेस्ट करने। आज का आसमान साफ लग रहा है। इससे पहले मैं एक्यूरेट पोलर अलाइन करना स्टार्ट करूँ, सबसे पहले हम गाइड स्कोप को अलाइन करेंगे। ये करना ज़रूरी है। वैसे गाइड स्कोप को अलाइन कैसे करते हैं, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल जो भी हो, इस वक्त हमारा टेलीस्कोप एक स्टार की तरफ पॉइंट कर रहा है ताकि हम गाइड स्कोप को अलाइन कर सके। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। आप देख सकते हैं ये स्टार कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये स्टार हमारी गाइड स्कोप से दिख रहा है और इसका आकार इस वजह से ऐसे है क्योंकि ये अनफोकस है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे फोकसर को, वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर है, यानी हम फोकस प्लेन तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें इसके लिए जुगाड़ करना होगा। लेकिन इस बार मैं ऐसे ही जुगाड़ नहीं कर सकता क्योंकि ये कैमरा मेरे टेलीस्कोप से भी महंगा है। हमें कोई भरोसेमंद जुगाड़ करना होगा। ओके, तो इस बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान कुछ ये है कि मैं कैमरे को टेलीस्कोप से और भी दूर कर दूंगा ताकि हम फोकस प्लेन तक पहुंच सके। ऐसा करने के लिए मैं बीच में एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं कैमरे को टिका सकूं इतना दूर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एक्सटेंशन पार्ट प्रिंट करा है। ये पहले वाला है और ये नया वाला। इसे प्रिंट होने में 2 घंटे लग गए, यानी 2 घंटे बर्बाद। लेकिन जो भी हो, ये पार्ट काम कर गया। अब हम गाइड स्कोप अलाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर बैक ऑनलाइन। ओके, तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। मैंने टेलीस्कोप को मून की तरफ घुमाया है ताकि हम उसका फील्ड ऑफ व्यू चेक कर सकें। और ये देखने के बाद मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप देख सकते हैं मून का हमें कितना कम फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। हमें ज़रूरत थी इतने फील्ड ऑफ व्यू कवर करने की, लेकिन हमें मिल रहा है इतना। सेम इतना ही फील्ड ऑफ व्यू हमें अपने बड़े टेलीस्कोप से मिल जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि हम घूम फिर कर एक ही जगह आ गए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये टेलीस्कोप तो छोटा है फिर भी। तो मैं आपको बता दूं, असल में फोकल प्लेन कैमरे के सेंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब अगर मैं टेलीस्कोप में खाली कैमरा लगा के इस्तेमाल करूं, तो ये वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये स्टार अनफोकस है, बल्कि हम एकदम एंड पॉइंट पर है फोकसर की। अगर हमें फोकस करना है तो 2x बालू लगाना कंपलसरी है, लेकिन इससे टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। 2x बार्लो टेलीस्कोप की फोकल लेंथ दुगनी कर देता है, जैसे 300 से 600 तक, और 600 फोकल लेंथ तो मेरे बड़े टेलीस्कोप की है। यानी मैं बुरा फंस गया। अब मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा कि ये टेलीस्कोप बिना बार्लो लेंस के काम कर सके, वरना इसे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है अगर मैं टेलीस्कोप को 20 से काट कर छोटा कर दूँ।
stop it. Get some help.